करना चाहते हो तो सबसे जरूरी चीज है सब्र, समझे? काफी अच्छी हवा है ना यहाँ पर। लेकिन मैं हवा से ज्यादा मछलियाँ खाना चाहता हूँ। इसमें एकदम नई रील है। अब तुम काफी मछलियाँ पकड़ सकते हो। ये इतने भी बड़े नहीं हैं। अरे नहीं, सुनिया जियान भी आए हैं। अरे नोबिता, तुम यहाँ हो और शिजुका तुम भी? हाँ मिस्टर नोबी, और आप भी यहाँ पर हो? कैसे हैं आप? आपकी रील तो सच में बहुत अच्छी है। मैं तो आज इसे पहली बार इस्तेमाल करूँगा। लगता है आप इसे काफी समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो मछली पकड़ते हैं। मैं चलता हूँ। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्या बात है? आपने जल्दी पकड़ ली था। लंच का इंतजाम हो गया। हाँ, हम आराम से मछली पकड़ सकते हैं। सही कहा आपने। तुमने मछली पकड़ने के बाद उसे छोड़ क्यों दिया? वैसे मछलियाँ पकड़ेंगे हम सब नहीं खा पाएंगे। लगता है मैंने फिर से पकड़ ली। मैं जा रहा हूँ अब। हमने कितनी जल्दी मछलियाँ पकड़ ली। सुनियो, तुम्हें पता है मेरे डैड भी बड़ी मछली पकड़ सकते हैं। अच्छा, चलो मुकाबला करते कि कौन बड़ी मछली पकड़ेगा। लगता है उन्होंने बड़ी मछली पकड़ी है। जरूरी नहीं कि मछली बड़ी हो, पुराने तरीके से मछली पकड़ने का मजा ही कुछ और है। ये बहुत बड़ी मछली लग रही है। कहीं कोई केकड़ा ना हो। ब्लैक बास की जगह ये तो खेलने वाले बस निकली। डैड, आप भी मछली के बारे में सोच रहे थे ना? पीछे नदी में तुम बहुत मछलियाँ पकड़ सकते हो। वैसे तो मैं इस बात को तुम्हें बताना नहीं चाहता था। सच में? अफवाह है कि वो नदी का राजा है। ये रही नदी। ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर हमें बड़ी मछलियाँ मिलेंगी। सच में डैड? तो अभी तक नहीं सूखा। लगता है मछली जल्दी नहीं मिलने वाली। ये बारिश का पानी है। मतलब सुनियो ने हमसे झूठ कहा था। अब क्या करें? मैं डैड को तो नहीं बता सकता ना। मछली नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ कुछ डालेंगे। ये कैसे? हम किसी भी चीज को उसके असली रूप में लौटा सकते हैं। जैसे कि इस राइस बॉल को देखो। चावल घास बन गया और प्लम वापस अपने पेड़ पर चला गया। बस एक प्लम और वापस पूरा पेड़ कैसे बन गया? रिटर्न लाइट की मदद से कोई भी चीज उसके असली रूप में लौट जाती है। इसी की मदद से हम अपने खाने को असली रूप में बदल देंगे। इसे अपने असली रूप में बदल दो। ये तो एक समुद्री मछली है ना? हाँ, तुम सही कह रही हो। They were the big. इसे तालाब में मिलाते ही ये समुद्र बन जाएगा। मुझे भी ये करने दो ना। हाँ। अब मैं इस पर कोशिश करता हूँ। Oh!
हमारा लंच दोबारा असली चीजों में बदल गया है। सुनो, मैं तो मछली पकड़ ली। देखा कितनी बड़ी मछली है बोनीटू। क्योंकि वो बोनीटू केज से बनी है। देखो नोबिता, मछली पकड़ी है। इसे पकड़ना काफी मुश्किल था। अरे ये बहुत ताकतवर है, जल्दी आओ। एक बड़ी सी सामर्थ मछली है। मुझे लगता है कि ये कोई मामूली तालाब नहीं है। हम नोबिता से कभी नहीं हारेंगे, समझे? यहाँ पर मत आना। अरे कोई बात नहीं नोबिता। वहाँ मछलियों की परछाई दिख रही है। सुनियो, तैयार रहो। मैं ज्यादा मछलियाँ पकड़ूंगा। वो कितने मजे कर रहे हैं। वो असल में हमारा लंच था, लेकिन उसे वो लोग लेकर जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता अब हमारे हाथ कुछ भी लगेगा। कुछ तो पकड़ में आया हूँ। अरे वो क्या था? डैड, मछलियों का राजा। ठीक है, मैं उसे कैसे भी करके पकड़ के रहूँगा। ये क्या है डैड? ठीक है, मैं पकड़ता हूँ। ठीक है, अगर बड़ी मछली भी आती है तब भी ठीक है। ग्रेट ऑफ लिक्विड, इससे ये और मजबूत बन जाएगा। वो किस तरह की मछली थी? आज हमारे लंच में तो सैल्मन बोनेटो और प्लम का अचार था। इसके अलावा थोड़ी मछलियों का पेस्ट भी था। यकीन नहीं हो रहा, 50 मीटर लंबी मछली है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा है वो कहीं आस पास ही है। मुझे कहीं दिख नहीं रही है। मतलब है तुम्हारा लाइट लिए ये फिर से पहले की तरह सैंडविच बन गया। अरे
नहीं।